जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां मिले। हमने इतने दिनों तक आप लोगों को बहुत मिस किया। किस किस ने हमें मिस किया है या फिर आप सब लोग हमें भूल गए थे? हमने इतने दिनों तक रीडिंग नहीं की और इतने दिनों तक हम आप सब लोगों को बहुत सारा मिस करते रहे। और आप सबकी खुशियों के लिए हमने ईश्वर से ढेर सारी प्रार्थना की है कि ईश्वर आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाएं, बहुत सारी गुड न्यूज़ लेकर आएँ, आपकी सभी विशेष पूरी हों, लेकिन जो पॉजिटिव हों सिर्फ वो, जो नेगेटिव हों वो बिल्कुल भी पूरी ना हों। आज का हमारा टॉपिक है कि आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, वो कैसा सोचते हैं कि आप किस टाइप के इंसान हैं। आज हम यही सब जानने वाले हैं, ठीक है? तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। और अगर जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है आपको ऐसा लगता है कि ये तो आपसे रेजोनेट हो ही नहीं रहा, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है ना, तो ज़रूरी तो है नहीं कि आपसे टोटली रेजोनेट होगी। और हाँ, अगर आपको हमसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आज से हम पर्सनल रीडिंग करना शुरू कर रहे हैं। तो आप अगर हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो हमने अपनी ईमेल आईडी और टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए वहाँ, कांटेक्ट करिए। हम नहीं, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि क्या क्या डिटेल्स देनी है, पर्सनल रीडिंग के लिए क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं। तो देखिए, आपके जो पर्सन हैं, आप मेल हों या फिर फीमेल हों, आप मैरिड हों या फिर अनमैरिड हों, ये बात सबके लिए बराबर तरीके से लागू होती है ना? तो देखिए, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए एक स्ट्रांग एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक सोल लेवल का कनेक्शन महसूस करते हैं, सोल लेवल का बहुत स्ट्रांग कनेक्शन महसूस करते हैं। हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकता है आप लोग सोलमेट हो, क्योंकि जो सोल लेवल के कनेक्शंस होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। यहाँ पर बहुत हमें अनकंडीशनल टाइप का लव नज़र आ रहा है, बहुत कहते हैं ना बेशर्त प्रेम, निस्वार्थ प्रेम की वाइब आ रही हमें, कि बहुत वैसा प्यार है ये कि कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए, इस तरह का प्यार है ये। तो जो आपके पर्सन हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लें और आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें, समझ रहे हैं? क्योंकि उन्हें आपके साथ एक बहुत ओल्ड कनेक्शन महसूस होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी डेस्टिनी हो, उन्हें ऐसा लगता है कि आप जब उनके आसपास होते हो तो उनमें एक स्ट्रेंथ सी आ जाती है, उनमें एक पावर सी आ जाती है, और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करते हैं। और वो आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो, बहुत आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आपके अंदर एक ऐसी पावर है जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। आप बहुत केयरिंग टाइप के हो, आप बहुत मदरली टाइप के हो, उनका बहुत ख्याल रखते हो, बल्कि उनका क्या, आप सभी का बहुत ख्याल रखते हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत नेचर लविंग पर्सन हो, समझ रहे हैं? हो सकता है कि सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हों और आपकी यही सारी खूबियाँ आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती हों, ऐसा हो सकता है ना? तो देखिए, आपके पर्सन ना आपके साथ ऐसा महसूस करते हैं कि आप दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और अब वो आपके अलावा किसी और को अपनी डेस्टिनी में, अपनी किस्मत से जोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अगर कोई उनका लाइफ पार्टनर बने तो आप ही बने। लेकिन देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हमें डिफरेंस ये नज़र आ रहा है, जैसा कि थोड़ा सा एज डिफरेंस नज़र आ रहा है और थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू लग रहा है। मतलब कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हों, आपके पर्सन थोड़ा कम हो, तो इस टाइप की प्रॉब्लम हमें आप दोनों के दरमियान लग रही है, समझ रहे हैं?
और अगर ऐसी बात नहीं है तो थोड़ा सा एज डिफरेंस भी है आप लोगों के बीच में, या फिर इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, इस टाइप का थोड़ा सा इशू नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना वो आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी हैं और आपके साथ उन्हें एक स्ट्रेंथ मिलती है, आपके साथ उन्हें एक पावर मिलती है। अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस हासिल कर सकते हैं, और उन्हें ये लगता है कि अगर आपकी शादी उनसे हो जाती है तो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, उनकी किस्मत बदल सकती है, उनका भाग्य बदल सकता है, इस तरह सोचते हैं वो। और वो ये भी सोचते हैं कि जितना प्यार एक माँ अपने बच्चे को देती है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, समझ रहे हैं आप, विदाउट एनी रीज़न, इस टाइप का प्यार वो आपके लिए महसूस करते हैं, कि इसी टाइप का प्यार आप भी उन्हें देते हैं, कि आप उनके साथ कोई भी प्यार में डिमांड्स नहीं रखते, आप उनसे कभी ये नहीं कहते कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, बल्कि आप उन्हें बहुत प्यार देते हैं। तो आपके पर्सन इसी टाइप का प्यार आपके लिए महसूस करते हैं, कि आप बहुत केयरिंग हो, बहुत मदरली टाइप के हो, उनका बहुत ख्याल रखने वाले हो, और वक्त आने पर आप उनके लिए पूरी दुनिया से लड़ने वाले हो। उन्हें ऐसी वाइब आती है आपके लिए, और वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोल लेवल का कनेक्शन आपके साथ महसूस करते हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में अगर देखिए फाइनेंशियल इशू चल रहा है या कमिटमेंट इशू चल रहा है, तो वो आपके पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर चल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनके जो फैमिली वाले हैं ना वो इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब वो जैसे कहते हैं ना दो बच्चों में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, मतलब कि एक को ज़्यादा एक को कम, इस तरह का इनकी फैमिली में चल रहा है। तो ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा फाइनेंशियली परेशान है, स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा चल रहे हैं, समझ रहे हैं। और फैमिली में भी हमें ऐसा लगता है कि किसी से इनका मन मुटाव हुआ है, या अगर फैमिली में नहीं हुआ तो आपसे ही हुआ होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो ये झूठ बोलते हैं, या फिर किस वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपसे बातें क्यों छुपाते हैं। तो हमें ऐसा भी लगता है कि शायद आपने इनसे बातचीत करनी बंद कर दी है, कोई तो है जिसने इनका दिल दुखा रखा है इस टाइम पर, मतलब कि इस टाइम पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, आपके जो पर्सन है वो इस टाइम थोड़ा सा पेनफुल स्थिति में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में है, और थोड़ा सा गिल्ट भी हो रहा है इन्हें, थोड़ा सा अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है कि कुछ कुछ समय पर इन्होंने कुछ गलतियाँ ऐसी की हैं जो करने लायक नहीं थी। अगर आप बात नहीं कर रहे अपने पर्सन से तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी यादों में बहुत ज़्यादा हैं, और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और रातों में उठ उठ कर बैठ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूजन की स्थिति है बहुत ज़्यादा। आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं है, तो ये ना ऐसा सोचते हैं कि ये थोड़ा सा भी स्टेबल हो गए, अगर किसी का इन्हें सपोर्ट मिल गया तो ये आपको लेकर बहुत दूर चले जाना चाहते हैं। अगर ये फाइनेंशियली स्टेबल हो गए तो ये आपको लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, अगर आप लोगों के बीच में फैमिली इशू है तो, क्योंकि आपके पर्सन फैमिली इशू से तो परेशान है ही हैं और ये फाइनेंशियल इशू से भी परेशान हैं, समझ रहे हैं। इधर इनका परिवार इनकी बात नहीं सुन रहा है, इधर इनका परिवार इनके सपोर्ट में नहीं है, उधर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, इन्हें थोड़ा सा परेशानी चल रही है, आर्थिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है, तो ये इसीलिए आपको शायद कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपके पर्सन कमिटमेंट के लिए बार बार पोस्टपोन कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो गया है, समझ रहे हैं। पहले आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते थे, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा समझते थे, आपके पर्सन समझते थे, लेकिन इस टाइम पर आप लोगों के बीच में बिल्कुल भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं चल रही है, इसीलिए इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं आप लोगों के दरमियान, जिससे बातचीत नहीं हो रही है और आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ही मिस कर रहे हैं, आप भी मिस कर रहे हैं, आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं।
वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनका इंतज़ार करिए, वो आपका इंतज़ार करें। एक्शन कोई भी नहीं ले रहा है और आपके पर्सन जो एक्शन लेना चाहते हैं वो स्टेबल होकर लेना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि मुझे किसी का सपोर्ट मिल जाए, मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद एक्शन लूँ। बाकी प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में। और देखिए यहाँ पर जो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइंस नज़र आ रहे हैं वो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एरिस लियो सजिटेरियस, समझ रहे हैं। यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और एरिस लियो सजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। वाटर साइन इधर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस थोड़ा कम है और जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस की भी थोड़ा सा कम है, लेकिन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एरिस लियो सजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है? एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा एक दूसरे को समझ कर चलिए, समझ रहे हैं। अगर आप प्यार करते हैं तो अपने पर्सन को समझिए भी सही। प्यार वो नहीं है जो बातों का मोहताज हो, शब्दों का मोहताज हो। प्यार वो होता है जो बिना कहे हर बात समझ लेता है, जो बिना कहे जज्बात समझ लेता है। शब्दों की तो ज़रूरत ही नहीं होती सच्चे प्यार में। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना कर रखिए आप दोनों एक दूसरे के बीच में। अगर आप दोनों चाहेंगे तो ज़रूर आप लोगों की शादी हो सकती है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए, ठीक है। और देखिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं, अगर आपकी आत्मा कहे तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपना टेलीग्राम नंबर, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप जाइए, कॉन्टेक्ट करिए। आज से हमने पर्सनल रीडिंग करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपके पर्सन, आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, वो आपको लेकर क्या महसूस करते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो वो आपकी खूबसूरती के कायल हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप इतने खूबसूरत हो, इतने खूबसूरत हो, आपकी खूबसूरती से कोई भी पागल हो सकता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप इतने खूबसूरत हो कि आपसे कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। तो आपके जो पर्सन है वो आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो आपसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, आपकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। ये आपका नेचर, आपकी, आपका मन, आपका स्वभाव, आपकी बातें, ये सब उन्हें बहुत पसंद हैं, समझ रहे हैं। आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। और देखिए ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ज़्यादा। जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है इधर, ऐसी कोई भी वाइब नहीं आ रही हमें कि इधर सेपरेशन चल रहा है। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो ये पाइल नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि आप में इतनी पावर है, आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप किसी से भी नहीं डरते, आप किसी के भी सामने झुकने वालों में से नहीं हैं। और आपका जो नेचर है ना, हमेशा न्याय करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, मतलब बटरिंग नहीं करना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। और हमें भी ये बात अच्छी लगती है कि जो लोग बटरिंग करते हैं वो अच्छे नहीं होते, जो क्लियर बात करते हैं वो अच्छे होते हैं। तो आपका जो नेचर है ना, क्लियर बात करना और हमेशा न्याय करना, जस्टिस करना, ये जो आपका नेचर है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आकर कभी कभी हार्ट ब्रेक कर देते हैं, खुद का भी, दूसरे का भी। कभी कभी अपनी ही गलती से अपना हार्ट ब्रेक हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको वो चेंज लाने की ज़रूरत है अपने अंदर, क्योंकि आपकी ये गलती आपको भी हर्ट करती है और आपके पर्सन को भी हर्ट करती है, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। बाकी आपके पर्सन जो है ना, वो सोचते हैं आपके साथ कि एक बहुत प्यारी सी फैमिली हो जिसमें पूरा परिवार हो, आप हो, और वो एक लॉन्ग ड्राइव पर जाएं,
समझ रहे हैं, वो आपके साथ ऐसा महसूस करते हैं कि वो आपके साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, वो आपके साथ कहीं दूर ट्रिप पर जाना चाहते हैं और आपको बहुत जल्दी कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो आपके जो पर्सन है ना वो थोड़ा सा सब्र के साथ काम कर रहे हैं, आराम आराम से। वो इस रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करना चाहते, काफ़ी मैच्योर पर्सन हैं और एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं आपके साथ। वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप उन्हें इतना प्यार करते हैं कि आप उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, हो सकता है। और हमें भी यहाँ दिख रहा है कि वाकई आप उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप उनकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये बात भी आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है आपके अंदर। और देखिए, आपके जो पर्सन है ना, ये आपके साथ ऐसा रिश्ता महसूस करते हैं ना, निस्वार्थ टाइप का, जैसे कहते हैं ना कि कोई डिमांड नहीं है इस रिश्ते में, एक अनकंडीशनल टाइप का लव है और ईश्वर ने आपको उनके लिए ही बनाया है, इस टाइप की वाइब आती है उनके अंदर, इस टाइप की फीलिंग आती है उनके अंदर कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए ही बने हो, आप इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए ही आए हो और आपकी इंट्यूशन पावर तो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप जब कोई काम अपनी इनर वॉइस को सुनकर करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब कभी आप टेंशन में होते हैं तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते, आप अपनी बातों को, आप अपने आत्मा की आवाज़ को सुनते नहीं हैं, तभी अभी आपसे गलतियां हो जाती हैं। तो आपके पर्सन हमेशा चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को सुने, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, समझ रहे हैं। और वो ये भी समझते हैं कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप के हो सकते हैं, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल टाइप के हों। अगर आप स्पिरिचुअल टाइप के हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं, बहुत आध्यात्मिक टाइप के इंसान हैं, तो उन्हें आपका ये नेचर बहुत अच्छा लगता है और वो आपके साथ ना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं। हमने कहा ना, उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने आपको उनके लिए ही बनाया है, आप किसी और के लिए बने ही नहीं हैं, आप किसी और के नहीं हो सकते, कोई भी उनसे आपको छीन नहीं सकता, समझ लीजिए। वो आपसे इतना प्यार करते हैं, वो कभी किसी और का होता हुआ आपको नहीं देख सकते। और वो जैसे कि पूरी फैमिली होती है ना, फुल फैमिली, जिसमें हस्बैंड वाइफ हों, बच्चे हों, इस टाइप की ज़िंदगी वो जीना चाहते हैं आपके साथ। और उन्हें ये भी लगता है कि आप जब उनकी ज़िंदगी में आओगे तो उनकी ज़िंदगी जो अभी इनकम्प्लीट है वो कम्प्लीट हो जाएगी, वो आपके साथ ना एक कम्प्लीशन महसूस करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप हो तो सब कुछ है और आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। देखिए, चाहे भले ही हज़ारों की भीड़ हो, लेकिन वहाँ पर अगर आप नहीं हो तो वो खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन चाहे कोई ऐसी जगह हो जहाँ सिर्फ आप हो तो वहाँ उन्हें ऐसा लगता है सब कुछ है, सारी खुशियाँ उन्हें वहीं पर मिल जाती हैं जहाँ आप होते हो। तो ये समझ लीजिए, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपको लेकर एक लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं, एक लंबी सी ट्रिप पर जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सारी खुशियाँ, उनका प्यार, परिवार, सब कुछ आप ही हो। और अगर आप उनके साथ हो तो उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, उन्हें ऐसा महसूस होता है, क्योंकि आप उनकी लाइफ को कंप्लीट करते हो, उन्हें ढेर सारी खुशियाँ देते हो, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, उन्हें समझते हो, उन्हें आपसे स्ट्रेंथ मिलती है, एक पावर मिलती है। लेकिन एक तरफ वो डरते भी हैं इस बात से कि अगर आपने उनका हाथ छोड़ दिया, उनका साथ छोड़ दिया, तो वो ज़िंदगी की किसी एक गहरे से अंधकार में खो जाएंगे। तो प्लीज़ आप उनका साथ कभी मत छोड़ना, आप उनका हाथ कभी मत छोड़ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर बैठे हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, उनका साथ कभी मत छोड़ना। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं, आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे। आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है, दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी, ठीक है।
और देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि आपको क्या क्या डिटेल्स देनी है, क्या क्या प्रोसेस है पर्सनल रीडिंग लेने का। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।